हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और आसान तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में। तो इसमें 20 ग्राम पिंक ऊन लगेगी और 10 ग्राम ब्लू कलर लगेगा। 4 प्लाई ऊन है ये। 11 नंबर क्रोशिए से डिजाइन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर डिजाइन अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन के लिए हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट चेन में डाल के सर्कल बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है और फिर 2 डबल क्रोशिए। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिए इस तरह से। 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं फिर लास्ट में भी। ये देखिए, तो इस तरह से 2 ये होल होने चाहिए पैटर्न में। टर्न करेंगे 1 चेन लेके और स्लिप स्टिच लेंगे। हमें यहाँ बीच में आना है तो ये स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ पर हमें फिर 3 चेन ले लेनी, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। जो ये फर्स्ट वाला होल है इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन लेके 2 और बना लेंगे इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, अब बीच में 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन लेके इसके बीच में फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं कंटिन्यू, 2 चेन बीच में लेके। 1 2 2 चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेने। फिर चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे स्लिप स्टिच, हर एक राउंड में लेना है इस तरह से। बीच में आना है हमें, तो ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया हो गए 2 चेन लेके। फिर जो 5 चेन ली थी इस पर अब हमें 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेके इसमें हमें 10 डबल क्रोशिया या 8 या 6 जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, तो डिजाइन के हिसाब से बनाने होते हैं। तो इस डिजाइन में मैं बना रही हूँ 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया का डिजाइन बना रही हूँ। तो काउंट करके 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनेंगे, तो काउंट कर लेने हैं। फिर 1 चेन लेंगे और लास्ट के ये कंटिन्यू बनेंगे दोनों साइडों में, पूरे डिजाइन में जितना भी हम डिजाइन बनाएंगे पूरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से रॉन्ग राइट साइड दोनों में कंटिन्यू ये डिजाइन चलता जाएगा। फिर टर्न करेंगे स्लिप स्टिच, बीच में आना है। दो चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब यहां पर फिर 1 चेन लेनी है और जो डबल क्रोशिया हमने बनाए थे इसको हम इस तरह से उठा के बनाएंगे, नॉर्मल नहीं बनाएंगे, उठा के फिर बनाएंगे इस तरह से। बनाने डबल क्रोशिया ही है लेकिन इस तरह से आगे की साइड में उठा लेना है और फिर बनाने। तो ये देखिए इस तरह से उठा के बना लेने हैं। 10 डबल क्रोशिया थे तो सभी को एक बार बना लेना है उठा के। फिर 1 चेन लेंगे
तो ये देखिए इस तरह से ये वाला बना लेना है। अब जो 10 डबल क्रोशे बनाए थे इस तरह से आगे की साइड उठा के, उन्हीं को अब हम बैक साइड से उठा के बनाएंगे, एक छोड़ के दूसरे में डालेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर 8 बनाने हैं 10 की बजाय, कम करते जाना है डिजाइन के लिए। तो ये चेन लेनी है यहाँ पर, पहले एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में डालेंगे इस तरह से। बैक साइड से उठाना है, ये देखिए, तो ये 8 बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना लिए हैं। ये देखिए ये रॉन्ग साइड में इस तरह का आ जाएगा और राइट साइड में सेम एक जैसा डिजाइन आएगा, ये देखिए। उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाए और ये मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए भी बना लिए हैं। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन ली है, एक चेन लेके यहाँ पर हमें सेम यही डिजाइन अब एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो ये डिजाइन बनाने के लिए पहले हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन ली है बीच में, अब बीच में 3 चेन लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए ऐसा बनेगा ये। इसमें फिर नेक्स्ट 10 डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग कर लेंगे, एक चेन लेके फिर से हमें यही डिजाइन बनाना है, तो ये वाला छोड़ देंगे नेक्स्ट में डाल के। इस राउंड में 6 डबल क्रोशिये बनाएंगे डिजाइन पर, इस वाले डिजाइन पर। फिर चेन लेंगे और नेक्स्ट डिजाइन के लिए फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, सेम जगह पर दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, ये देखिए। और ये बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब इस तरह से ये डिजाइन, नेक्स्ट पैटर्न इसका शुरू हो जाएगा, ये पैटर्न खत्म होता जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा दोनों साइड में। तो नेक्स्ट पैटर्न शुरू करने के लिए 10 डबल क्रोशिये बनाने हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी, और ये 4 बन जाएंगे, कम होता जाएगा 6 से, अब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेना है, बीच वाले में 4 और इनमें 10 10। फिर टर्न करेंगे और 4 डबल क्रोशिये बना लेने हैं, एक चेन लेनी है, चेन लेने के बाद फिर वही पैटर्न दोहराना है जो इसमें दोहराया था। इस राइट साइड में ही ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना है, उठा के बनाने वाला इस तरह से, सेम इसी तरह से पैटर्न बनता जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पैटर्न चेंज कर लेना है, चेन एक लेंगे, चेन हर बार एक लेनी है हमें। अब जो 4 ये बनाए थे इसमें अब हमें 2 ही बनाने हैं साइडों में, एक एक छोड़ के, और नेक्स्ट में एक ही बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बनाएंगे और ये 8 बनेंगे। तो इस तरह से मैं बना के एक राउंड और तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाली पत्ती, ये देखिए एक बचाई, और जब राउंड में एक बचे और इसका 3 राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न शुरू कर देंगे। ये इसका हमने 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद 4th राउंड में ये शुरू कर दिया था। तो इसी तरह से 3 राउंड इसके कंप्लीट हो गए और ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब हमें 2 यहाँ पर बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा। इस तरह से 3 पत्तियाँ इस वाले पैटर्न में बनाएंगे, जैसे कि ये एक थी फिर 2 बनी, अब 3 बनाएंगे, 1 2 और एक बीच में। तो इसके लिए हमने एक चेन ले ली यहाँ पर,
डबल क्रोशिया, तीन चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ये देखिए ये वाला पैटर्न जो कि हमने सेकंड वाले पैटर्न शुरू किया उससे पहले बनाया था, ये देखिए। और अब जो ये आठ डबल क्रोशिया हमने बनाई ये छह बनेंगे इस तरह से, स्टार्टिंग का छोड़ के बिल्कुल आसान सा पैटर्न है, एक बार आ गया तो तुरंत बनता जाएगा। इसी तरह से आप साइज जितना भी बढ़ाना चाहें, पांच पत्ती का, छह का, सात का, आठ का, दस पत्ती का, जितना भी साइज बनाना है बना सकते हैं। ये देखिए आठ से छह बना लेना है, फिर एक चेन लेनी है और जो बीच में एक डबल क्रोशिया पैटर्न का खत्म हुआ है यहां पर भी सेम उसी तरह से बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर एक चेन, और ये पत्तियां बना लेंगे डबल क्रोशिया इस पत्ती का, और यहां पर बना लेंगे सेम पैटर्न। ये देखिए तो ये एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर और एक यहां पर, तीन पत्ती बन जाएंगी और ये दो कंप्लीट होती जाएंगी। तो इस तरह से कंटिन्यू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। फिर हमने भी थर्ड राउंड में, इसके थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में ये स्टार्ट कर लिया था नेक्स्ट पैटर्न। अब ये भी कंप्लीट हो गया है, ये देखिए दो पत्ती वाला कंप्लीट हो गया, और ये हमने इसके थर्ड राउंड पे तीन पत्ती वाला शुरू कर लिया था। अब इसका भी थर्ड राउंड आ गया है, तो अब हम नेक्स्ट चार पत्ती का शुरू कर लेंगे, जो एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट तैयार होगा तो पांच पत्ती का, फिर छह का, फिर सात का, आठ का, इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेते हैं ये वाला पैटर्न। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने एक पत्ती, दो पत्ती, फिर तीन, चार, और ये पांच पत्ती का पांचवा है जो मैंने ये एक राउंड जो स्टार्ट करके यहां तक हमें बराबर डिजाइन चाहिए, तो ये हमने पांच पत्ती पूरी नहीं करनी है, हाफ ही रखनी है। तो इस तरह से बनके तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने फिनिशिंग के लिए साइडों में, ये देखिए जितनी साइज बढ़ाना चाहें इसकी लटकन की उस हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने छह चेन, एक चेन एक्स्ट्रा, सात चेन ली थी, सात चेन पे दो पफ बनाए और फिर यहां जोड़ दिए, और यहां पर फिर सात चेन, और यहां पर थोड़ा गैप छोड़ के बांध देना है इस तरह से। ये वाला एक राउंड लिया पहले पिंक वाला, उसके बाद ये मैं ब्लू राउंड ले रही हूं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहें तो कोई लटकन, झालर, पम पम बोल कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये चेन लेके, और ब्लू वाला हमें इनके बीच में बांधना है, जो पिंक कलर है, पिंक कलर हमें अंदाजे से बांधना है, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के स्किप करके, और ब्लू कलर हमें इसके बीच में, फिर यहां से सीधा इसके बीच में, और अब यहां पर मैंने बनाया है, अब हम इसे यहां पर बांध देंगे इसके बीच में इस तरह से बांधना है। तो ये तो ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं इसके बिना भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न बनके तैयार होगा। अब इसको हम तौन पट्टी पर जोड़ लेंगे, और उससे के लिए हमें पहले तौन पट्टी बनानी है। तो इस तरह से बांध लेना है बीच में, फिर चेन लेंगे, एक और बनाएंगे यहां पर, चेन लेंगे, जितना हैवी बनाना चाहे पफ उस हिसाब से ले सकते हैं, थ्री टाइम, फोर टाइम या फाइव टाइम। दो चेन, एक पफ फोर बनाएंगे इस पर, इस तरह से दो पफ बिल्कुल पास पास में बनाने, और अब इसको हम यहां पर बांध लेंगे जहां से ये पफ स्टार्ट किया था वहां पर। अभी चेन लेंगे, जितनी चेन यहां है उतनी ही लेनी है काउंट करके, और अब इसको हम इस किनारे पर बांध देंगे। ये
ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन डाले है, आप भी इस तरह से डाल के तैयार कर सकते हैं। तो अब ये डिजाइन तो हमारा तैयार हो गया है, अब इसके लिए हमें तोड़ पट्टी बनानी है जिस पर हमें इसे सिलना है। तो अब हमें इसके लिए तोड़ पट्टी बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए सेम उसी पैटर्न में इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये मैं पत्तियां गिन के बता दूंगी आपको कितने ये कंप्लीट करनी है। इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाएंगे, उसके बाद आप फिनिशिंग कर सकते हैं। इसमें डबल क्रोशिए में, सिंगल क्रोशिए में कैसे भी कर सकते हैं। तो तोड़ पट्टी और डिजाइन सेम पैटर्न में हमें बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तोड़ पट्टी सेम फूल में ही बनाई है, बस ये 10 डबल क्रोशिए की बजाय 6 डबल क्रोशिए पर फूल बना पत्ती बनाई है। तो इस तरह से ये तोड़ पट्टी बनाई है, फिनिशिंग कर रही हूँ मैं सिंगल क्रोशिए में, दो सिंगल क्रोशिए सेम जगह, फिर नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिए। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ, बीच में खिंचा हुआ लगे तो एक चेन ले लें, नहीं तो कंटिन्यू बनाते जाएं। इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी। तो ये देखिए इस तरह से तोड़ पट्टी बना लेनी है। मैंने इस पर एक पेटल सील के तैयार कर ली है, ये देखिए इस तरह की लगेगी, बहुत ही सुंदर डिजाइन। इसी तरह से दूसरी भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सील के तैयार कर लेना, डिजाइन बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।